हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी मूवी है गोलमाल अगेन, जो कि कॉमेडी है। कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो करें शुरू। कहानी शुरू होती है अजय, अर्शद, तुषार, श्रेयस और कुणाल इनके बचपन से। ये पांचों ऑर्फनेज में पले बड़े होते हैं। ऊटी के जमुना दास आश्रम में ये लोग रह रहे होते हैं। अजय को भूतों से डर लगता था, इसीलिए उसने श्रेयस से दोस्ती की होती है, जो कि तोतला होता है। इन पांचों को एक दिन एक छोटी सी बच्ची मिलती है और वो उसे आश्रम लेकर आते हैं। उसे नाम देते हैं खुशी। उसका अपनी सिस्टर की तरह ख्याल रखते हैं। उनको पता था इनकी लाइब्रेरियन तब्बू को गोस्ट वगैरह दिखते हैं। एक दिन अजय और अर्शद में लड़ाई हो जाती है, इसलिए वो और श्रेय आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। बाद में अर्शद और उसके दोस्त भी चले जाते हैं और फिर खुशी को कोई और बाजू के बंगलो के कॉलोनर अडॉप्ट कर लेते हैं, पर वो हमेशा उनके बारे में सोचती रहती है। 25 साल बाद एक दिन उनको खबर मिलती है कि आश्रम के मालिक जमुना दास अब नहीं रहे। तब वो सब मिलकर उनकी 13वीं पर जाते हैं। उनके बाजू वाले बंगलो में जाने के बाद पता चलता है कि खुशी अब नहीं रही और परिणीति उनके घर की केयर टेकर है। और ये भी पता चलता है कि कोई प्रकाश नाम का बिजनेसमैन ये बिल्डिंग तोड़ रहा है और इसे कहीं और शिफ्ट कर रहा है। आने के बाद श्रेयस के अंदर आत्मा घुसती और वो अजय को डराता है, इसीलिए वो लोग तब्बू को बुलाते हैं। वो उन्हें ये ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए तुम लोग मेरे साथ चलो रहने के लिए, ये कहती है। बाकी तीन लोग भी जिसके लिए वो काम करते हैं उसके लिए वहाँ पर आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ये पांचों लोग फिर से झगड़ा करने लगते हैं। वो लोग अजय और श्रेयस को डराते हैं ताकि वो लोग वहाँ से चले जाए, क्योंकि वैसा उनका काम होता है। लेकिन वो सच में तब डरते हैं जब तुषार के अंदर आत्मा घुसती है और वो बोलने लगता है, क्योंकि रियलिटी में बोल नहीं पाता है। वो सब लोगों को बंगलो छोड़कर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन परिणीति और तब्बू उन्हें समझाकर रोक लेते हैं। इन सब में अजय परिणीति से प्यार करने लगता है और सब उसे कन्फेस करने के लिए भी कहते हैं। जॉनी लियो, वो भी उसी ऑर्फनेज के होते है। वो पांच लोग परिणीति को देख पाते हैं लेकिन जॉनी नहीं देख। तब सबको समझ में आ जाता है कि ये सच में भूत है, तो वो लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तभी तब्बू आकर उन्हें रोकती है और बताती है कि वो भूत कोई और नहीं, तुम्हारी बचपन की दोस्त खुशी, मतलब परिणीति है, क्योंकि परिणीति ही खुशी और दामिनी होती है। तब फ्लैशबैक में परिणीति बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड नील नितिन, जो कि बिजनेसमैन है और जमुना दास का भतीजा, उसने प्रकाश राज के साथ मिलकर जमुना दास को मारा ऑर्फनेज अपने नाम करने के लिए। ये सब बातें परिणीति सुन लेती है, इसीलिए उसको भी मार देते हैं। वो ये सब एक्सीडेंट के रूप में भी दिखाते हैं। परिणीति का भूत तब्बू को हेल्प करने के लिए आता है, तब वो उन पांच लोगों को भी दिखता है, इसीलिए वो लोग उनको उस बंगलो में लेके आते हैं। अब प्रेजेंट में वो लोग सब मिलकर उसकी हेल्प करते हैं। वो लोग प्रकाश राज से सच कन्फेस करवाने का ट्राई करते हैं, पर उससे पहले ही नील नितिन दुबई से इंडिया आ जाता है और कहता है कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है इसके खिलाफ। परिणीति उसको मारने की वाली ही होती है कि तब्बू उसे रोक लेती है। प्रकाश राज नील को ट्रूथ कन्फेस करने के लिए कहते हैं। ऑर्फनेज बचाने के बाद खुशी हेमन में चली जाती है। ये पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही कॉमेडी है। आप लोगों को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। म्यूजिक भी अच्छा है, पुराना ही म्यूजिक रिक्रिएट किया हुआ है। मूवी भी हिट है। आप सबको इस मूवी का रिव्यू कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर तो करें। और बहुत सारे मूवीज का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।